यीशु के पैदाइश यूसुफ नाम के एक धर्मी आदमी के साथ है। मरियम के मंगनी हुई गई थी। जब वह सुनेस की मरियम गर्भवती है, तब वह जानत है कि वह वही का बच्चा नव है, लेकिन वह मरियम का बदनाम ना करो चाहत है। यही खातिर वह वही पर कृपा करके और वही का चुपके से छोड़ देव चाहत है। लेकिन यही से पहले कि वह ऐसा करे, एक स्वर्गदूत ने वही के सपन में आ के वैसे बात की। वह स्वर्गदूत कहिस, हे यूसुफ, मरियम का अपन मेहरिया के रूप में लेके आवे से मत डरा। वही के भीतर पेट में जौन बच्चा है, वह पवित्र आत्मा की तरफ से आए। वह एक लड़का का जन्म दई, ते वही का नाम यीशु रखेस, जिसका अर्थ है परम प्रधान परमेश्वर बचावत। कहे से वह लोगन को उन्हीं के पापन से बचाई। अतः यूसुफ ने मरियम से ब्याह करके और वही का अपनी मेहरिया के रूप में घरे ले आओ, लेकिन वही के बच्चे को जन्म दे तक वही के नेरे ना गा। जब मरियम के जन्म दे का समय नेरे आओ, तो मरियम और यूसुफ ने बैतलहम जाए के खातिर एक लंबी यात्रा करी। उनका वहाँ जाना ही था। कहे से रोमी अधिकारी इजराइल में रहने वाले सब लोगन की गिनती करवाओ चाहते। वही चाहते कि सबरे लोग वहाँ जाए कर जहाँ उनके पूर्वज रहते। राजा दाऊद का जन्म बैतलहम में भात है और वह मरियम यूसुफ दोनों का पूर्वज रहा। मरियम और यूसुफ बैतलहम गए, लेकिन वहाँ जानवरन को रखने वाली जगह के अलावा उनके ठहरने के खातिर कोनो जगह ना रहा। वह जगह रहा जहाँ मरियम ने अपने बच्चे का जन्मदिन, वह वही चरनी में लौटाए। कहे से वहाँ वही के खातिर कोनो बिछौना ना रहा। वही का नाम यीशु रखे। वह रात वहाँ नेरे के खेत में कुछ बरे दी अपनी गड़रन के झुंडन के देखभाल करत। अचानक से एक चमकदार स्वर्गदूत उन पर प्रकट भा और उन डरा गए। वह स्वर्गदूत कहिस, मत डराओ, कैसे मोरे पास तुम्हारे खातिर एक शुभ संदेश, बैतलहम माँ मसीह स्वामी का जन्म भाव है। जाकर वह लड़का का ढूंढो और तुम वही कपड़े माँ लपेटा हुआ और चरनी माँ लेटा हुआ पैहा। अचानक से आकाश स्वर्गदूतन से भर गा। उन परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। उन कहिन, सारी महिमा स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को मिले, पृथ्वी पर उन लोगन में शांति हो जिनकी वह चिंता करत। तब स्वर्गदूत चलोगा, उन बरेदी भी अपनी गड़रन का छोड़कर लड़का का देखेंगे। जल्दी ही उई वह जगह में पहुँच गए जहाँ यीशु रहा और उई वही चरनी में लेटा हुआ पायन, जैसा कि वह स्वर्गदूत ने कहो थे। उई बहुत खुशी भी। तब उई बरेदी वापस लौट गए जहाँ उनकी गड़रें रहें। उई जब उन कुछ भी सुनो और देखें, उन सब के खातिर उई परमेश्वर का स्तुति कर रहे थे। पूरब माँ दूर एक देश माँ कुछ पुरुष रहें, उई सितारन का अध्ययन करते और उई बहुत बुद्धिमान रहें। उई एक असमान सितारे का आकाश माँ दिखें। उई कहें कि यही का अर्थ है कि यहूदियों के एक नए राजा का जन्म भाव। यही खातिर उई व लड़का का देखें के खातिर अपने देश से यात्रा करें का निर्णय लेने। एक लंबी यात्रा के बाद उई बैतलहम आए और वह घर का पहुँचे जहाँ यीशु और वही के माता पिता रहते। जब उई पुरुषन ने यीशु को अपनी माता के साथ दिखें, तो उई घुटने टेक कर वही के आराधना कीने। उई यीशु को कीमती उपहार दीनन। फिर उई अपने घर वापस लौट गए। मत्ती अध्याय 1, लूका अध्याय 2 से बाइबिल का एक कथा।